मतदाता जागो 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 मेरे देश के मतदाता करना तुम मतदान कोई आए ना व्यधान जागो जागो रे मन भर माया फिर ऊंची रे डगरिया मन भर माया फिर ऊंची रे डगरिया वोट देना है जरूरी चाहे कोई मजबूरी वोट देना है जागो 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 मेरे देश के मतदाता जागो 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 मेरे देश के मतदाता करना तुम मतदार कोई आए ना मैदान जागो जागो रे जागो रे पहली बार हम निकले मतदान हो क्या करना क्या नहीं है करना मन में करते विचार हो सोच समझ कर वोट है देना मत करना इनकार हो जागो 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 मेरे देश के मतदाता जागो 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 मेरे देश के मतदाता करना तुम मतदान कोई आए ना मैदान जागो जागो रे जागो रे बधाई देता हूँ कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पर ये कार्यक्रम किया है। मतदाता जागरूकता ये कार्यक्रम था तो मतदाता आपको पता है कि जिसका मतदाता सूची में नाम होता है वो मतदाता होता है। मतदाता सूची हर साल बनाई जाती है रिन्यू की जाती है उसमें नए नए मेंबर्स ऐड होते हैं। तुम में से भी जो 18 साल का होगा वो मतदाता की लिस्ट में आ गया होगा। शायद यहाँ पर कोई हो तो हाथ खड़ा कर सकता है अगर कोई है तो 18+ आशीष यस वेरी गुड। तो आपके बीच में भी एक मतदाता बैठा हुआ देखिए अनएक्सपेक्टेड सा था लेकिन मुझे लगा था कि एक दो का नाम गया है यहाँ से तो वेरी गुड। तो ये एक मतदाता बन चुका है इस बार ये वोट देगा। अब मतदाता की बड़ी जिम्मेदारी है जैसा कि अभी हमारे सीनियर लेक्चरर सर ने कहा नवराज जी ने हाँ मैं अभी करता हूँ हाँ। तो जैसे कि डबराल सर ने कहा कि आपकी बड़ी जिम्मेदारी है महती जिम्मेदारी है कि आप सही व्यक्ति का चुनाव करें और साथ साथ ये भी जरूरी है कि हर आदमी इसमें प्रतिभाग करे। नमस्कार हम दीदी अब आप सभी ते एक गाना सुनान चांदा जो हमार जो एक शीर्ष चर्चा हम आप सभी ते मतदाता मतदान का बारे में सत्ता जागरूक कर चांदा और हम दीदी 10 कक्षा में पढ़ता हित ओ अमा भौजी मतदान करी ओला सिन ओ दादा भैजी हम वोट दिए ओला सोची समझी भैजन बलि नेता चुनोला लोकतंत्र का खतर हम जान धरोला हित ओ अमा भौजी मतदान करी ओला सुन ओ दादा भैजी हम वोट दिए ओला लोकतंत्र फुल सपोर्ट हम करोला सबे वोट लोकतंत्र फुल सपोर्ट हम करोला सबे वोट 18 साल पर मताधिकार अपनो वोट दिलो बनोला सरकार भुलया जन सब धर दिया ध्यान मिलजुल से फिर मिलजुल फिर सभी करिया मतदान दिशित मां अपनो योगदान करी ओला हित ओ काका काकी मतदान करी ओला सुन ओ दादा भैजी हम वोट दिए ओला। धन्यवाद सारे बच्चों जैसा आप लोगों को जानकारी है कि आगामी 19 तारीख को हमारे प्रदेश में लोकसभा के चुनाव होंगे और इससे हम लोग केंद्र सरकार का निर्माण करते हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोग मतदान करें।
बच्चों यहाँ पर हमारे बड़े सीनियर लोगों ने भी आपको काफी कुछ बताया है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र में जो चुनाव होंगे, टॉपिक आपका है मतदाता जागरूकता। तो मतदाता क्या काम करता है? मत का दान। और दो सभा होती है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल कुछ इस तरह से होता है कि प्रति 2 वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य अलग हो जाते हैं और एक तिहाई सदस्य को भर्ती कर देते हैं, इसलिए उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हाँ जी, हाँ जी, हम साहिल जी को ही वोट देंगे। धन्यवाद। तो रोहित जी को वोट दो। रोहित जी को वोट दो। अरे बहनों नमस्कार। नमस्कार। आप रोहित जी को ही वोट देना, ये आपके गांव में बिजली पानी सड़क की समस्याएं दूर करेंगे। हाँ ठीक है, हम रोहित जी को ही वोट देंगे। अरे घर के नीचे नल टूटा है, जरा उसको बना दो। मैं कहाँ से बनाऊँ उसको? प्रधान जी नमस्ते, मेरे घर के आगे सड़क टूटी फूटी है, उसे सही तो कर दो। कहाँ से करूँ मैं उसको सही? प्रधान जी नमस्ते, मेरे स्कूल की छत टूटी है, उसे ठीक बना दो। मैं कहाँ से बनाऊँ उसको? अरे हमने आपको वोट दिया है। बोल दे दो, मैंने तुमको दारू कंबल कपड़े दिए। अरे सर इसे हमने आपको वोट दिया, तुम तक कपड़ा पैसा भी तो दिया। चल चलो जाओ भी घर। अरे भाई, अरे बहनों सुनो, हम प्रधान जी घर गया ना, उन हम तो वतन भगे जा, हम जा हम घर हम हमन पापा समस्या बता, उन हम तो भगे जा, हम उ हमन तो बल तुम तो सार दिया जा, कौन से तुम फ्री में जा बोल। लोकतंत्र का यह आधार वोट न हो कोई बेकार, लोकतंत्र का भाग्य विधाता होता है जागरूक मतदाता।